हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पूरी 12th NCERT और पूरे 11th NCERT सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिया है। मैंने अटेंडेंस सीरीज के क्वेश्चन करवाए थे, उसी में सारे चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और हम पार्ट टू बना के अब क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम पार्ट टू बना के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और अब आप लोग करवाएंगे। तो आज मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिया, अगले दिन से मैं क्वेश्चन इंक्रीज करती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ऑप्शन ए बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी जूलियन हक्सले, ऑप्शन डी एपी कैंडोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज जूलियन हक्सले। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज गिवेन बाई जूलियन हक्सले इन 1940। दिस क्लासिफिकेशन टेक्स इन टू अकाउंट द साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल एंड ऑनटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन सी राइट है, दैट इज जूलियन हक्सले। क्वेश्चन नंबर 2, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ। ऑप्शन ए बाय नॉर्मल नॉर्मल क्लेचर, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज बायो नॉर्मल नॉर्मल क्लेचर। लीनियस ने बायो नॉर्मल नॉर्मल क्लेचर को दिया था, और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है क्योंकि हमेशा इधर उधर मिल ही जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको याद भी होगा, पर एग्जाम इसलिए मिस्टेक तो हो ही जाती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया हमारा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, द बुक जनरा प्लेनेटेरियम वॉज रिटन बाई। ऑप्शन ए इंग्लैंड एंड पेनेंटल, ऑप्शन बी बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन सी बेसे एंड ऑप्शन डी होस्टन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज बेंथम एंड हुकर। जो बुक जनरा प्लेनेटेरियम है, इस बुक को बेंथम एंड हुकर ने दिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ डियर। ऑप्शन ए इज गिवन फैमिली, ऑप्शन बी डिविजन, ऑप्शन सी ऑर्डर एंड ऑप्शन डी जीनस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज फैमिली। पोटैटो एंड टोमेटो बोथ बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो गया है, फैमिली। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज। ऑप्शन ए रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ऑप्शन डी रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। यहाँ पे रियल यूनिट यहाँ पे दिया है ऑप्शन डी में, और ऑप्शन ए में यहाँ पे है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आपका, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ध्यान से करिएगा। ये थे आज के हमारे पास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।